Hello students, welcome once again to the web classes. So in the previous lectures we understood the format of trading account and P&L account. Now today we are going to see the format of balance sheet. So let's see without wasting any further time. तो पहले ये समझ लीजिए कि बैलेंस शीट होता क्या है. बैलेंस शीट, अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज एट गिवन डेट. तो बैलेंस शीट जो है वो कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है. इट इज अ स्टेटमेंट. वॉट इट शोज, तो बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ कंपनी. P&L अकाउंट जो है वो परफॉर्मेंस शो करता है. क्या शो करता है? परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, कंपनी और फर्म, वट एवर यू से. ओके, सो बैलेंस शीट, अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज एट गिवन डेट अकॉर्डिंग टू बाटली बॉय. ओके, अ बैलेंस शीट मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विथ अ व्यू to measure the exact financial position of business on a certain fixed date. ठीक है, दूसरा डेफिनेशन है, a statement showing asset, liabilities, receivables and capitals of the business on a particular date is known as balance sheet. तो balance sheet basically क्या है? तो balance sheet basically एक ऐसा format है जो liability और asset show करता है. देखो यहाँ पर debit side और credit side नहीं होती. यहाँ पर कौन कौन सी साइड होती है? तो लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटीज़ की क्रेडिट बैलेंस होती है, ध्यान रखना. और एसेट साइड होता है तो एसेट्स की डेबिट बैलेंस होती है, तो ये भी ध्यान रखना. सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट रिवर्स हो गया, क्रेडिट साइड पहले आ गया और डेबिट साइड बाद में आया, है ना. तो लायबिलिटीज़, अब लायबिलिटीज़ में दो टाइप की लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो इंटरनल लायबिलिटी को कहते हैं कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटी को क्या कहते हैं? कैपिटल. और इस तरफ होता है एसेट. इस तरह से बैलेंस शीट जो है ए इज इक्वल सी प्लस एल के कंसेप्ट को पूरा करता है. मींस एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी. क्लियर? तो लायबिलिटी में क्या क्या लिखा जाता है? तो सबसे पहले तो देखो, कैपिटल, जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो कैपिटल के लिए इतना पोर्शन जो है वो बाकी रख दोगे, है ना, जिसमें सबसे पहले लिखोगे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस. अगर एडिशन होता है कैपिटल में तो वो प्लस करना है, इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलता है तो प्लस करना है, पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो भी प्लस करना है. माइनस क्या करना है? तो ड्राइंग्स माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करना है, और अगर लॉस होता है तो वो माइनस करना है. इस तरह से जब ये आप प्लस माइनस करोगे तो लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उसे कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल. क्या? कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल. तो लायबिलिटी का ये पोर्शन पूरा हुआ. एसेट साइड में क्या आता है? तो एसेट साइड में सारे एसेट्स आएंगे, लाइक गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड एसेट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन दी एसेट साइड. इज दैट क्लियर? अच्छा, कैपिटल लायबिलिटी पोर्शन में कैपिटल के बाद सारे रिजर्व्स लिखे जाते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, अदर रिजर्व, सारे रिजर्व जो है वो कैपिटल के बाद लिखे जाते हैं. और सारी लायबिलिटीज लिखी जाती है फिर, जैसे कि बैंक की लायबिलिटी, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन, फिक्स डिपॉजिट लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड एंड रिलेटिव, जो कोई भी लोन वगैरह आपने ले रखा है तो लायबिलिटीज जो है वो लायबिलिटी पोर्शन में लिखा जाता है. एसेट साइड में आए तो और कौन कौन से एसेट बचते हैं? जैसे कॉपीराइट, वो भी एसेट है. लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक जो है, देखो लाइव स्टॉक ना अब चला गया. लाइव स्टॉक कैसे चला गया? कि पहले ऐसा होता था कि एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स का भी ट्रेड किया जाता था, या फिर मिल्क हस्बेंड्री, या फिर ऐसा कुछ कामकाज करते थे जिसमें जिंदा जानवर या एनिमल्स को ट्रेड करते थे, तो उन्हें कहते हैं लाइव स्टॉक. हालांकि आजकल लाइव स्टॉक बचे नहीं हैं, है ना. तो लाइव स्टॉक, व्हीकल, ये भी स्टॉक है, लूज टूल्स स्टॉक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हो तो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारे. तो असेट जो है वो एसेट साइड में. इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा असेट है. सन्ड्री डेटर, डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है, तो असेट हुआ. जिसको देना है वो होता है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर जो है वो आएंगे लायबिलिटी में. देखिए ये सन्ड्री क्रेडिटर है. बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी होती है, बिल्स पेबल भी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड. प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये हमारा नहीं है, वर्कमैन का है, तो ये लायबिलिटी हुई. एसेट साइड में आए तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस,
स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, इनकम रिसीवेबल्स, है ना, लोन दिया हो, अगर लोन दिया है, लोन गिवन, इफ लोन इज गिवन देन दैट इज अ असेट, लोन लैंड बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें असेट्स हैं, क्लियर। दूसरे लाइबिलिटीज में क्या आता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविडेंट फंड, ये भी हमारी लाइबिलिटीज हैं। एसेट साइड में लोन गिवन टू एम्प्लॉय, एडवांस पेड फॉर परचेज, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, कोई भी एक्सपेंडिचर जब आप एडवांस में पे करते हो तो वो आपका असेट बनता है। कैसे असेट बनता है, व्हेन एक्सपेंस आर पेड इन एडवांस इट मीन्स यू आर लाइकली टू गेट बेनिफिट ऑफ हिज और हर सर्विस, है ना। जैसे कि मान लो कि अगर आपने स्कूल की 2 साल की फीस एक साथ पे कर दी है, 2 ईयर की फीस पे कर दी है, 11th एंड 12th, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 साल तक स्कूल आपके लिए एसेट माना जाएगा, आप बिना किसी रोक टोक के स्कूल टाइम पे आ सकते हो, कोई आपको कुछ बोल नहीं पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा, यू हैड पेड द फीस, ओके। सिमिलरली व्हेन एवर आ एक्सपेंस इज पेड इन एडवांस दैट इज अ एसेट फॉर बिजनेस। सिमिलरली एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ, देखो ये होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये क्या होता है, तो इसे कहते हैं फिक्टिशियस असेट। क्या फिक्टिशियस एसेट्स, इसका कंसेप्ट आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, है ना। तो फिक्टिशियस असेट मतलब होता है एक्सपेंस है लेकिन उसे एसेट मान लिया जाता है, क्लियर है। तो लायबिलिटी असेट बैलेंस शीट में 2 पोर्शन होते हैं, पहला पोर्शन जो है वो है लायबिलिटी पोर्शन और जो सेकंड पोर्शन है वो है एसेट पोर्शन। इन लायबिलिटी पोर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल इज रिटन, आफ्टर कैपिटल ऑल द लायबिलिटीज आर रिटन, कैपिटल रिजर्व एंड ऑल लायबिलिटीज आर रिटन। एसेट साइड ऑल द एसेट्स आर रिटन ऑन द एसेट साइड, सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो बाई कंबाइनिंग द ऑल द 3 मीन्स बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, फाइनल अकाउंट विल बी कंप्लीटेड फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, क्लियर है। तो आपका काम क्या है आज का, आपका काम यह है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट लर्न कर लो और एक बार उसे लिख लो, राइट इट प्लीज, हाँ लिखोगे ना तो थोड़ा बहुत रह जाएगा दिमाग में। पीएनएल अकाउंट का भी फॉर्मेट लर्न करना है और लिखना है, और बैलेंस शीट के भी फॉर्मेट को लर्न करके लिखना है। देखो लर्न करना कह रहा हूँ, लर्न करने का मतलब वह समझना है, उसे समझो, अंडरस्टैंड इट, है ना, उसे रट्टा नहीं करना है, क्लियर। रट्टा करोगे तो ये चैप्टर थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड द बैलेंस शीट एक्सप्लेनेशन इज ओवर। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट अ सम, ठीक है। जब सम स्टार्ट होगा तो लेक्चर का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।